Yes, praise God. Praise God. We can shout. Praise God. Praise God. God is good all the time. परमेश्वर हर समय भला है. He loves us. वो हमसे प्यार करता है. And so we are living. इसीलिए हम जी रहे हैं. We believe in God. हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं. God is love, Bible says. Bible कहता है परमेश्वर प्रेम है. This is what the saint of the Bible they came to know. ये बात पर जो बाइबल के संत थे वो लोगों ने जानी. Many people say God is spirit. बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर आत्मा है. This is their conclusion. वो उनका संक्षिप्त एक वाक्य होता है. And Bible says God is love, God is spirit, God is righteous, He is just God. And he's holy God, holy God. और बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है. Praise God. Praise God. This is what the revelation Bible people came to know. ये प्रकटीकरण बाइबल के लोगों को मिला, उनको उनके पास ये प्रकटीकरण आया. Once again I welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत प्रभु यीशु मसीह के नाम में करता हूँ. Peace to all. सबको शांति हो. Let's pray before going to word. वचन में जाने से पहले आइए प्रार्थना करें. Our God is good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है. He bless us every day. वो हर रोज हमें आशीष देता है. Father in Jesus name we are standing. पिता यीशु के नाम में हम खड़े हैं. एंड वी सीक योर फेस. और हम आपकी उपस्थिति ढूंढते हैं. टॉक टू अस टुडे लॉर्ड. हम आज हमारे साथ बात करो प्रभु. एंड ब्लेस अस विद योर वर्ड. और आपके वचन से हमें आशीष दो. एज वी रीड योर बाइबल. जैसे हम आपका आपके वचन पढ़ते हैं. यू गिव अस रेवलेशन. आप हमें प्रकाश दो. यू गिव अस लाइफ. आप हमें जीवन दो. एंड टॉक टू अस. और हमारे साथ बात करो. एंड व्हाटसोएवर इज इन योर हार्ट. और जो कुछ भी आपके हृदय में है. Pour it Father in our spirit. पिता वो सारी बातें हमारे आत्मा में उंडेलो. In Jesus name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. Lord forgive if there is sin. और प्रभु यदि कोई पाप है तो हमें माफ कर. We believe in your blood. हम आपके खून में विश्वास करते हैं. Wash us Lord. हमें धो दे प्रभु. Holy Spirit we believe you. पवित्र आत्मा हम आप में विश्वास करते हैं. You take control of us. आप हमारे ऊपर नियंत्रण लो. It is your word. ये आपके वचन है. यू मेक अस अंडरस्टैंड. आप हमें वो समझाओ. यस लॉर्ड क्लियर अस. हाँ प्रभु उसे आप हमें स्पष्ट करो. एंड ब्लेस अस. और हमें आशीष दो. इन जीसस नेम. यीशु के नाम में. वी प्रे ऑल. हम ये सब प्रार्थना करते हैं. आमेन आमेन. प्रेज गॉड. परमेश्वर की महिमा हो. वी आर लिविंग बिकॉज क्राइस्ट हैज गिवन अस लाइफ. हम जी रहे हैं क्योंकि मसीह ने हमें जीवन दिया है. सेंट पॉल सेज इन रोमन 14:7. प्रेषित पौल कहता है रोमियो की पत्री 14वां अध्याय और 7वां वचन. फॉर नन ऑफ अस वी क्रिश्चियन नन ऑफ अस. हम मसीही लोग उसमें से कोई भी नहीं. वी डोंट लिव फॉर अवरसेल्फ. हम अपने लिए नहीं जीते. नन ऑफ अस लिवेथ फॉर हिमसेल्फ. कोई भी उसके लिए खुद के लिए नहीं जीता. एंड नन ऑफ अस इवन डाई फॉर हिमसेल्फ. और कोई भी अपने आप के लिए नहीं मरता. फॉर एवरी मैन लिव द क्रिश्चियन पीपल हु लिव एंड एवरी वी मैन डाई हैज अ रिलेशन. यस वी लिव फॉर अदर. और मसीही लोग जो होते हैं वो उनका जो जीवन होता है और उनके जो संबंध होते हैं वो सारी बातें दूसरों के लिए होती है. वी लिव फॉर क्राइस्ट एंड वी डाई फॉर क्राइस्ट. हम मसीह के लिए जीते हैं और मसीह के लिए मरते हैं. बिकॉज वी लव जीसस क्राइस्ट. क्योंकि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं. पॉल सेज इन गैलेशियन 2:20. पौलुस कहता है गलाती का पत्र दूसरा अध्याय दूसरा वचन. दिस वॉज हिज कन्फेशन. दिस वॉज हिज फेथ. ये पौलुस का विश्वास था, उसकी कबूलात थी. लिसन सुनो. पॉल सेज आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट. मैं मसीह के साथ वधस्तंभ पे जड़ा गया. एंड नो लॉन्गर आई लिव. और अब मेरे में मैं नहीं जीता हूँ. बट क्राइस्ट लिव इन मी. लेकिन मुझ में मसीह जीता है. आई लिव फॉर क्राइस्ट जस्ट नाउ. अब मैं केवल मसीह के लिए जीता हूँ. एंड दैट लाइफ विच आई लिव इन दिस फ्लैश. और ये शरीर में ये जो जीवन मैं जीता हूँ. आई लिव इन फेथ. वो मैं विश्वास से जीता हूँ. द फेथ विच इज इन सन ऑफ गॉड क्राइस्ट. जो विश्वास है जो परमेश्वर के पुत्र मसीह में है वो विश्वास में. आई लव नाउ एंड आई लिव नाउ फॉर क्राइस्ट एंड आई लव क्राइस्ट.
अब मैं प्यार करता हूँ और जीता हूँ वो मसीह के लिए जीता हूँ और प्यार करता हूँ बिकॉज ही लव्ड मी और मैं मसीह से प्यार करता हूँ क्योंकि उसने मुझे प्यार किया and gave himself for me. और उसने अपनी जान मेरे लिए दी. We Christians even don't bat for ourselves. हम मसीही लोग नहाते भी अपने खुद के लिए नहाते भी नहीं. Yes, this type of life we should live. हाँ, इस तरह का जीवन हमें जीना चाहिए. If I want to marry, I marry for Christ. यदि मैं शादी करना चाहता हूँ तो मैं मसीह के लिए शादी करूंगा. If I take bath, I will take bath for Christ. यदि मैं मुझे नहाना है तो मैं वो भी मसीह के लिए नहाऊंगा. This life we should live. इस तरह का जीवन हमें जीना चाहिए. Yes, in Ephesians 5:29. एफएससी की पत्री 5:29. No man hate his own flesh. कोई भी व्यक्ति अपने खुद के शरीर से नफरत नहीं करता. But nourish it. लेकिन उसकी संभाल रखता है. And he care his body. और वो उसके शरीर की संभाल रखता है. He feed his body. वो अपने शरीर को खाना देता है, खिलाता है. As we care for our body, जिस तरह हम हमारे शरीर की संभाल रखते हैं, as we feed our body, जिस तरह हम अपने शरीर की जरूरत पूरी करते हैं, खाते हैं, same way we must live for Christ. उसी तरह हमें भी मसीह के लिए जीना चाहिए. We don't belong to ourselves. हम अपने आप के नहीं हैं. Bible says in 1 Corinthians 6:19. Bible कहता है 1 Corinthians 6:19. Know you not? क्या तुम ये नहीं जानते? That your body is temple. कि आपका शरीर मंदिर है. And it belongs to Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा का है. You are not your own. आप खुद के नहीं हो, खुद के मालिक नहीं हो. You have been bought, you have been purchased. आपको खरीदा गया है. Now you don't belong anymore of your. अब तुम अपने आप के नहीं रहे हो. Paul says in 1 Corinthians 7:2. पौलुस कहता है 1 Corinthians 7:2 में. To avoid fornication. व्यभिचार से दूर रहो. Let every man marry. हर एक व्यभिचार से दूर रहने के लिए हर एक व्यक्ति को शादी करनी चाहिए. If I am going against the word of God. यदि मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में जाता हूँ. And I don't love Jesus Christ. और यदि मैं यीशु मसीह से प्यार नहीं करता. What Jesus Christ hate if I do it. और यीशु मसीह जिससे नफरत करता है वो बातें मैं यदि करता हूँ. I am hating Jesus Christ. तो फिर मैं यीशु मसीह से नफरत कर रहा हूँ. Now because of this sin, I have to marry. अब ये पाप की वजह से मुझे शादी करनी पड़ेगी. Let each man woman they each man have his own wife and each and let each woman have his own husband. अब हर एक पुरुष को उसकी पत्नी हो और हर एक स्त्री को उसका पति हो. Why they should marry? वो उनको शादी क्यों करनी चाहिए? Because they are going against Christ. क्योंकि वो मसीह के विरोध में जाते हैं. I am living for Christ. मैं मसीह के लिए जी रहा हूँ. But what Christ hate if I am doing? लेकिन यदि मसीह जिससे नफरत करता है वो मैं करता हूँ. So I should marry. तो फिर मुझे शादी करनी ही चाहिए. So that I don't go against Christ. इसीलिए कि मैं मसीह के विरोध में ना जाऊँ. Why we forgive people? हम लोगों को माफ क्यों करते हैं? Because Christ, for Christ's sake, we forgive people. केवल मसीह की वजह से हम लोगों को माफ करते हैं. In Ephesians 4:32. एफेसियों की पत्री 4:32. Be kind to one another. Full of pity. एक दूसरे के साथ दयावान बनो. Full of pity. एक दूसरे के ऊपर दया रखो. Having forgiveness for one another. Have this heart. और एक दूसरे को माफ करने का हृदय रखो. Even as God in Christ has forgive you. जिस तरह परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें माफ किया है. God has forgive you. परमेश्वर ने तुम्हें माफ किया है. Because of Christ's sake. यीशु मसीह की वजह से. We were enemy of God. हम परमेश्वर के दुश्मन थे. God didn't love us. परमेश्वर ने हमसे प्यार नहीं किया. Jesus Christ loved us. यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया. So because of Jesus Christ, God has forgiven us. तो यीशु मसीह की वजह से परमेश्वर ने हमें माफ किया. So the sentence will be. तो
तो फिर ये वाक्य ऐसा रहेगा, फॉर क्राइस्ट ही लव्ड अस, मसीह की वजह से परमेश्वर ने हमें प्यार किया। वी मस्ट बी आल्सो फॉरगिव पीपल बिकॉज ऑफ क्राइस्ट, हमें भी लोगों को यीशु मसीह की वजह से माफ करना चाहिए। सो द टाइटल इज एलिस फॉर क्राइस्ट, तो इसका शीर्षक ये रहेगा एल्विस मसीह के लिए। वी आर ऑल्सो फॉर क्राइस्ट, वी आर लिविंग फॉर क्राइस्ट, हम भी यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। पास्टर फॉर क्राइस्ट, पासबान मसीह के लिए। जॉन फॉर क्राइस्ट, जॉन मसीह के लिए। He is living for Christ, वो मसीह के लिए जी रहा है। Second Timothy 2:10, Paul says, I endures, I bear bravely. दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और दसवां वचन पौलुस कहता है कि मैं पूरी हिम्मत से ये सहन करता हूँ। I flee not, और मैं भाग नहीं जाता, मैं उससे भाग नहीं जाता। For what? क्यों? Why do I bear? मैं ये सब क्यों सहता हूँ? For the elected saints, who are chosen saints, for them I bear. क्योंकि जो चुने हुए संत हैं, उनके लिए मैं सहन करता हूँ। I want they too be saved. और मैं ये चाहता हूँ कि वो भी बच जाए। So because of Christ I bear all things. तो यीशु मसीह की वजह से ये सारी बातें मैं सहता हूँ। I am not your servant. मैं तुम्हारा नौकर नहीं। Paul says in 2 Corinthians 4:5. पौलुस कहता है दूसरा कोरिन्थी चौथा अध्याय पांचवा वचन। Paul says, for Christ's sake we are your servant. पौलुस कहता है कि यीशु मसीह की वजह से हम आपके सेवक हैं। We don't want to be servant. हम खुद आपके सेवक बनना नहीं चाहते। We don't want to marry. हम शादी करना नहीं चाहते। We don't want to forgive. हम माफी देना नहीं चाहते। We don't want to even live for God. और हम परमेश्वर के लिए जीना नहीं चाहते। But we are your servant. For the sake of Christ. लेकिन यीशु मसीह की वजह से हम आपके सेवक हैं। We help you because of Christ. हम यीशु मसीह की वजह से आपको मदद करते हैं। Why we do job? हम नौकरी क्यों करते हैं? To earn money for Christ? क्या मसीह के लिए पैसा कमाने के लिए? Then praise God. तो फिर परमेश्वर की महिमा हो। I ask one question. मैं एक सवाल पूछता हूँ। If you have 20,000 salary. यदि आपके आपका पगार 20,000 है, then I ask you, why did you earn for? तो फिर मैं ये पूछूंगा कि ये सब तुम क्यों कमाते हो? And you say for Christ. और यदि आप ऐसा कहो मसीह के लिए, then 20,000 for Christ. तो फिर 20,000 मसीह के लिए। We don't earn for Christ. हम मसीह के लिए नहीं कमाते। There are few people who just live for Christ. बहुत कम लोग हैं जो मसीह के लिए जीते हैं। They go against their will. वो अपनी इच्छा के विरोध में जाते हैं। पीपल स्टडी डोंट फॉर क्राइस्ट, लोग अभ्यास करते हैं मसीह के लिए नहीं, फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, लेकिन उनके खुद के एक उज्जवल भविष्य के लिए। पीपल वर्शिप गॉड, लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। वी मस्ट वर्शिप फॉर क्राइस्ट, लेकिन हमें मसीह की वजह से परमेश्वर की स्तुति करनी People चाहिए। पीपल वर्शिप फॉर देयर नेम सेक, लोग अपने खुद के नाम के लिए आराधना करते हैं। आई एम नॉट प्रीचिंग इन इंग्लिश For my sake, just for Christ people. मैं अपने आपके लिए अंग्रेजी में प्रचार नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह के लोगों के लिए करता हूँ। Even I making video just for Christ. I didn't like. मैं ये वीडियो भी इसलिए बनाता हूँ कि यीशु मसीह के लिए, मुझे ये नहीं पसंद। This is love for Christ. ये मसीह के लिए प्यार है। Listen, सुनो। John 21:17. योहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय और 17वां वचन। पीटर वेंट अगेन इन हिज ओल्ड जॉब। पत्रस फिर से अपनी पुरानी नौकरी में चला गया। एंड जीसस क्राइस्ट अगेन ही मेट दिस पीटर। और यीशु मसीह फिर से पत्रस से मिला। व्हेन ही रोज अगेन ही अपीयर्ड थर्ड टाइम टू पीटर। और मृत्यु से जी उठने के बाद यीशु मसीह तीसरी बार पत्रस से मिला। एंड ही सेड टू पीटर, और उसने पत्रस से कहा, If you love me, यदि तू मुझसे प्यार करता, feed my sheep, तो मेरे भेड़ों को पाल, उसका पालन कर, you don't want, जो तू नहीं चाहता है, but for you, if you love me, लेकिन यदि तू मुझसे प्यार करता है, feed my sheep, तो फिर मेरे भेड़ों को संभाल, take care of my sheep, मेरे भेड़ों की संभाल रख, feed, उनको give them message. Teach them. उनको तू संदेश सुना, उनको सिखा। Listen, John 15:9.
सुनो यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय और 9वां वचन। Jesus said, as Father loved me, यीशु ने कहा जिस तरह पिता ने मुझसे प्यार किया, so as same manner, likewise I have loved you, उसी तरह मैंने तुमसे प्रेम किया। as Father loved me, not you people, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया तुमने नहीं। My Father loved me, मेरे पिता ने मुझसे प्यार किया। And same like way I also love you, और उसी तरह से मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। And you also continue this thing, और तुम भी इस रीति में बनते रहो, बने रहो। You also follow this love, और तुम भी इस प्रेम का अनुकरण करो। Father loved me, पिता ने मुझसे प्रेम किया। Same way, same manner, I also love you, उसी तरह से मैंने भी तुमसे प्यार किया। And now you continue this story, अब तुम इस बात को आगे चलाते रहो। You also love, आप भी प्यार करो। You remain in my love, आप मेरे प्यार में बने रहो। You continue in my love, आप मेरे प्यार में बने रहो। Don't let this chain be broken, ये जो जंजीर है वो टूटे नहीं। Father loved me, पिता ने मुझसे प्यार किया। I love you, मैंने तुमसे प्यार किया। You love one, अब तुम आगे दूसरे से प्यार करते रहो। John 15:12, योहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 12वां वचन। Love one another as I have loved you, जिस तरह मैंने तुमसे प्यार किया उस तरह एक दूसरे से प्यार करो। You didn't love me, but I am saying I loved you, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने तुमसे प्यार किया। Listen, John 16:27, सुनो योहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय और 27वां वचन। My Father loved you, मेरे पिता ने तुमसे प्यार किया। Why? क्यों? For you loved me, क्योंकि तुमने मुझसे प्यार किया। Because you loved me, तुमने मुझसे प्यार किया। Since you loved me, जब से तुमने मुझसे प्यार किया, my father loved you, तब से मेरे पिता ने तुमसे प्यार किया। Disciple loved Jesus Christ, so God loved people, चेलों ने यीशु मसीह से प्यार किया इसीलिए परमेश्वर ने चेलों से प्यार किया। For father himself loves you, क्योंकि पिता खुद तुमसे प्यार करता है। Because you have loved me, क्योंकि आपने मुझे यीशु मसीह से प्यार किया। Many people love God, but they don't love Jesus Christ. बहुत लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं लेकिन वो यीशु मसीह से प्यार नहीं करते। So God don't love you, तो परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता। Because you love Jesus Christ, so God will love you, क्योंकि आप यीशु मसीह से प्यार करते हो इसी वजह से परमेश्वर तुमसे प्यार करेगा। Since then he will love you, और ये करने से ही परमेश्वर तुमसे प्यार करेगा। Listen John 14:21, सुनो योहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय और 21वां वचन। Jesus says, if you love me, my father will love you, यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरा पिता तुमसे प्रेम करेगा। Who loved this world, ये दुनिया से ये किसने प्यार किया? फादर और जीसस क्राइस्ट, पिता ने या यीशु मसीह ने? हु लव्ड, किसने प्रेम किया? मेनी से गॉड सो लव्ड, बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर ने इतना प्यार किया। नाउ वी विल स्टडी दिस, जस्ट कीप ऑन लिसनिंग, अब हम इसका अभ्यास करेंगे, सुनते रहो। लिसन, सुनो। जीसस सेड, इफ यू लव मी यू विल एंड यू इफ यू हैव माय कमांडमेंट यू विल कीप इट, यदि तुम, यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्यार करो और तुम्हारे पास यदि मेरी आज्ञाएं हो है तो तुम वो आज्ञाओं को मानोगे। एंड इफ यू ओबे माय कमांडमेंट, और यदि आप मेरी आज्ञाओं को मानो, इट शोस दैट यू लव मी, तो ये यह दिखाता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। एंड इफ यू लव मी, और यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, माय फादर विल आल्सो फॉरगिव यू, तो मेरा पिता भी तुम्हें माफ कर देगा। माय फादर विल आल्सो लव यू एज आई लव यू, और जिस तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ उस तरह मेरा पिता भी तुमसे प्यार करेगा। वी आर एनिमी ऑफ अवर गॉड फादर, हम हमारे पिता परमेश्वर के दुश्मन हैं। बाइबल सेज इन जेम्स, डोंट रीड इट, 4:4, ये पढ़ना महत्व, बाइबल कहता है याकूब की पत्री 4:4। एनीवन इन रोमन 5:10-8, और रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 10:8 में भी ये कहता है, we were enemy, हम दुश्मन थे, so he didn't love us, तो इसीलिए उसने हमसे प्यार नहीं किया। Listen, John 17:24, सुनो योहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय और 24वां वचन। बिफोर द फाउंडेशन, बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड,
ये पृथ्वी और ये सृष्टि की उत्पत्ति से पहले फादर लव्ड मी जीसस क्राइस्ट सेज यीशु कहता है कि पिता ने मुझसे प्यार किया फादर लव्ड मी पिता ने मुझसे प्यार किया बिफोर वर्ल्ड केम इनटू बीइंग ये सृष्टि अस्तित्व में आए उससे पहले I came to know when he fulfilled my wish जीसस सेज यीशु कहता है कि जब उसने मेरी इच्छा पूरी की तब मैंने ये बात जानी Then I came to know that before the foundation he loved me तब मैंने ये बात जानी कि ये सृष्टि के अस्तित्व से पहले उसने मुझसे प्यार किया When someone wish is been granted जब किसी की इच्छा को पूरी की जाती है We say you love me thank you तब हम ऐसा कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो धन्यवाद But if someone don't give what we wish, we will. यदि कोई हमें नहीं देता तो हम क्या इच्छा करते हैं Then what we desire if someone doesn't give it. जो हम चाहते हैं वो यदि कोई नहीं देता है Then we say you don't love me. तब हम ऐसा कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते When the love is been, we can see. When we can see the love. जब हम कब प्रेम को देख सकते हैं When someone give us And let us, he just allowed us what we want. जब कोई देता है और जो हम चाहते हैं वो होने देता है तब ऐसा होता है When Jesus Christ was left to go to his own people. जब यीशु मसीह को अपने ही लोगों के पास भेजा गया जाने दिया गया Yes. Jesus was allowed to go. Okay, go. Among your people. यीशु मसीह को ये मर्जी उनकी पूरी की गई कि अच्छा तुम अपने लोगों में जाओ He was allowed. उनको परवानगी मिली You want to die? तुम मरना चाहते हो Okay, die. अच्छा मरो For the mankind, Jesus Christ was willing to die. मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह मरने के लिए तैयार था Before the foundation of the world, ये सृष्टि के अस्तित्व से पहले इन पीटर इट इज रिटन पत्रस के पत्र में ये लिखा है बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस क्रिएशन ये सृष्टि की स्थापना की गई उससे पहले ही वॉज बीन क्रूसिफाइड ही वॉज डेड उससे पहले उसका बलिदान किया गया उससे पहले ही वो परमेश्वर का मेमना था बिफोर दिस वर्ल्ड केम इनटू बीइंग एग्जिस्टेंस ये पूरी दुनिया का अस्तित्व आया उससे पहले ये हुआ जीसस क्राइस्ट वाज विलिंगली डाई वांट टू डाई यीशु मसीह अपनी खुद की इच्छा से मरना चाहता था एंड टाइम केम और जब समय आया ही वाज सेंट उसे भेजा गया एंड जीसस सेड और यीशु ने कहा फादर I understood that I came to know that you loved me. तब यीशु ने कहा कि पिता अब मैं ये बात जानता हूँ कि तुमने मुझसे प्रेम किया. You let me die. कि इसीलिए कि तुमने मुझे मरने जाने दिया, बलिदान होने दिया. John 3:13-1. योहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय और पहला वचन. Jesus came in his people, to his disciples. यीशु अपने चेलों के पास आया. And Jesus says that now the time is come that I will depart. और यीशु ऐसा कहता है कि अब समय आया है कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा. I will go back to my father. मैं मेरे पिता के पास वापस जाऊंगा. And here Bible says. और यहाँ पर बाइबल कहता है. He loved his own that were in the world. और जगत में जो उसके खुद के लोग थे उनको यीशु ने प्यार किया He loved them unto the end. अंत तक यीशु ने उनसे प्यार किया I will say, Father has let him go to visit girlfriend. मैं ऐसा कहूंगा कि पिता ने यीशु को उसकी प्रेमिका से मिलने के लिए जाने दिया And he just met and he just hugged her girlfriend. और उसने अपने वो प्रेमिका से मिला और उसे आलिंगन किया And time came. और समय जब आया When father wanted Jesus to return. जब पिता यीशु को चाहता था कि यीशु वापस आ जाए And till that end time Jesus loved. वो अंत समय तक यीशु ने प्यार किया Praise God.
परमेश्वर की महिमा हो। केम टू हिज ओन एंड ही वाज विलिंग टू स्टे विद दिस पीपल। वो अपने लोगों के पास अपनी खुद की इच्छा से आया और खुद की इच्छा से उनके साथ रहना चाहता। He was willing to stay with his people. वो अपने लोगों के साथ रहने के लिए तैयार था। And God as Father has gave him time to okay, spend as you much you want. But time will come, you have to come back. और पिता ने यीशु को वो समय दिया कि तू अपने लोगों के साथ जितना समय पसार करना है कर ले, फिर समय आएगा जब तुम्हें वापस आना पड़ेगा। He loved His own unto the end. यीशु ने अंत तक अपने खुद के लोगों से प्यार किया। John 17:26. Keep on listening. योहन्ना 17वां अध्याय और 26वां वचन सुनते रहिए। I will declare that you have loved me. मैं ये जाहिर करूंगा कि तुमने मुझसे प्यार किया है। Jesus says. यीशु कहता है। I will declare among all people that you know my Father loved me. मैं सब लोगों में प्रकट करूंगा कि तुम जानते हो कि मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया। नॉट बिकॉज गॉड गिव मी ग्लोरी और ऑनर। इसीलिए नहीं कि परमेश्वर ने मुझे महिमा या सम्मान दिया। और ही रिस्पेक्टेड मी बिफोर द वर्ल्ड। और उसने पूरी दुनिया के सामने मेरा सम्मान किया। नॉट इसीलिए नहीं। आई एम सेइंग दैट ही लव्ड मी। इसीलिए मैं ऐसा नहीं कहता कि वो मुझसे प्रेम करता है। ही लव्स मी दिस बिकॉज ही गिव मी ग्लोरी। वो मुझसे प्यार करता है इसीलिए उसने मुझे महिमा दी। नॉट बिकॉज ऑफ ग्लोरी आई एम सेइंग जीसस लव फादर लव्स मी। महिमा की वजह से मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि पिता ने मुझसे प्रेम किया। फादर रिस्पेक्ट मी सो आई से थैंक यू व्हाट आई वांट यू गेव मी। पिता मेरा सम्मान करता है तो मैं ऐसा कहता हूं कि धन्यवाद जो मेरी इच्छा है वो तू मुझे देता है। नॉट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग ही सेज दैट आई Father, you love me. ये सारी बातों के लिए यीशु ऐसा नहीं कहता है कि पिता ने मुझसे प्रेम किया। But Jesus was praying. लेकिन यीशु प्रार्थना कर रहा था। I want to die for my people. मैं मेरे लोगों के लिए मरना चाहता हूँ। Please let me go and die. मेहरबानी करके मुझे जाने दो। Jesus didn't say that Father, you gave me power, so I said you love me. Really, you love me. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि पिता ने मुझे सामर्थ दिया है। उससे यह साबित होता है कि वो मुझसे प्यार करता है। ऐसा नहीं कहा। In my heart there was I want power and I want authority and you gave me। मेरे हृदय में मेरी ये इच्छा थी कि मुझे सामर्थ मिले, अधिकार मिले। And so my father gave me and so I love him। मेरे पिता ने मुझे ये सब दिया इसीलिए मैं उससे प्यार करता हूँ। Not this thing for this thing he says। ये सारी बातों के लिए नहीं इसीलिए यीशु ये कहता है। This not for this reason he is saying that father loves me। ये सारी बातों के कारण ये वजह से यीशु ऐसा नहीं कहता है कि पिता मुझसे प्यार करता है। When something what you like if someone gives you say he you love me। जब आपको कुछ पसंद होता है वो यदि कोई देता है तो आप ऐसा कहते हो वो व्यक्ति से कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। Not because of this thing Jesus says I will announce to the world। इस तरह से के प्रेम की वजह से यीशु ऐसा नहीं कहता है कि मैं दुनिया में ये प्रकट करूंगा दैट यू लव मी कि तू मुझसे प्यार करता है। ऑल द वर्ल्ड आई विल टेल दैट फादर लव्ड मी। पूरे जगत में मैं कहूंगा कि पिता मुझसे प्यार करता है। ही लव्ड मी। उसने मुझसे प्यार किया। एंड अलाउड मी टू कम। और उसने मुझे यहाँ आने दिया। आई लव हिम। मैं उससे प्यार करता हूं। नॉट बिकॉज़ ही सेंट मी। इसीलिए नहीं कि उसने मुझे भेजा। बट आई लव्ड हिम। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं। फादर अलाउड एंड गेव परमिशन टू जीसस क्राइस्ट टू गो। पिता ने यीशु मसीह से प्यार किया और उसे वो अलाउड हिम गेव परमिशन उसे वो परवानगी दी कि वो जाए। ही गेव हिम परमिशन उसे इजाजत दी। प्रेज गॉड। उसे इजाजत दी कि वो जाए। Why Jesus was waiting for Father's order? यीशु मसीह पिता के उस आदेश के लिए राह क्यों देख रहा था? Because he loved Father. क्योंकि वो पिता से उसने पिता से प्रेम किया। In my heart there are people. मेरे हृदय में लोग हैं। But Father, unless you don't allow me, I will even not kiss them. लेकिन पिता यदि जब तक तू मुझे
इजाजत ना दे तब तक मैं उन्हें चुंबन भी नहीं करूंगा। I will even not touch and I will not even pray for them। मैं उन्हें स्पर्श भी नहीं करूंगा, उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करूंगा। Just you allow me and I will do। केवल तू मुझे इजाजत दे और फिर मैं वो करूंगा। Jesus loved his sheep। अपने भेड़ों से प्यार करता था। He was willing to die for his sheep। वो अपने भेड़ों के लिए मरने के लिए तैयार था। But he never shared it। लेकिन उसने वो बात किसी से नहीं कही। He was waiting for father's order। वो परमेश्वर पिता के आदेश की इंतजार कर रहा था। Let me give one revelation। मुझे मैं ये आपको एक प्रकटीकरण सुनाऊं। Listen। सुनो। In Genesis 1:26। उत्पत्ति पहला अध्याय और 26वां वचन। One person says that let us create man in our own image। एक व्यक्ति कहता है कि आइए हम हमारी प्रतिमा में इंसान को बनाए। And two people agreed with this one person। और ये कहने वाले एक व्यक्ति के साथ दो दूसरे व्यक्ति सहमत हुए। And they also said that okay। और वो दोनों ने भी ऐसा कहा ठीक है। If you are saying that let us create man in our image, यदि तुम ऐसा कह रहे हो कि हमारी प्रतिमा में इंसान को बनाए, okay, our committee agree, तो फिर हमारी संगति उसमें सहमत होती है। We sign upon your proposal, तुम्हारी जो दरखास्त है उसमें हम सही कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। If you are saying let us create man, यदि तुम ऐसा कह रहे हो कि आइए इंसान को बनाए, we don't want to disagree you, तो we don't want to disappoint you, तो फिर हम तुम्हें नाखुश करना है, तुम्हारे साथ ना सहमत होना नहीं चाहते। If you want to create man, okay, यदि तुम इंसान को बनाना चाहते हो तो ठीक है, we will not oppose in your creation, तो हम तुम्हारे वो बना रचना में विरोध नहीं करेंगे। Okay, let us make as this person says, और तो ये व्यक्ति जैसा कहता है उस तरह से आइए बनाए। Let us help him, आइए उसे मदद करें। And the person created man in his image, और वो व्यक्ति ने इंसान को उसके प्रतिमा में बनाया। And they created man, और उन्होंने इंसान को बनाया। So now the problem with man was arise, तो फिर अब ये इंसान के पास ये ऐसी समस्या खड़ी हुई। And they were in sin, man were in sin, और वो मनुष्य पाप में गिरा। And so the one person who said that let us create man, तो जो व्यक्ति था जिसने कहा था ये इंसान को बनाए, father knew that this was his will to make man, पिता ने जाना कि ये उसकी इच्छा थी कि इंसान बनाए। Now we will also let him do what he want, तो अब उसे जो करना है वो भी हम उसे करने देंगे। In John 14:10, John 10:11, listen, यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 11वां वचन। Jesus says, for my sheep I want to die, यीशु कहता है कि मेरी भेड़ों के लिए मैं मरना चाहता हूँ। For I came to die, क्योंकि मैं मरने के लिए आया हूँ। I came here to give sacrifice, मैं यहाँ पर बलिदान देने के लिए आया हूँ। And John Baptist saw Jesus Christ and said, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखा और कहा, This is Lamb of God, he came from the heaven to this world, कि ये परमेश्वर का मेमना है और वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया। Just to die for these people, ये लोगों के लिए मरने के लिए आया। And Jesus just came not to do miracle, but he came just to die, और यीशु मसीह चमत्कार करने के लिए ही केवल नहीं आया लेकिन मरने के लिए आया। John 14:13, यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय और 13वां वचन। Jesus waited till order to go, order comes, Jesus you can go, जब तक आदेश नहीं मिलता यीशु को कि तुम जाओ तब तक यीशु ने इंतजार किया। For the world understood not, Jesus says, क्योंकि यीशु कहता है कि इस जगत ने उसे नहीं समझा। But I understood that you loved me, लेकिन मैं ये जानता हूं कि पिता तू मुझसे प्यार करता है। Many time we just say no to our beloved people, बहुत बार हम जिससे प्यार करते हैं उनसे हम ना मना करते हैं, ना से नो 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 प्लीज डोंट डू, हम कहते हैं कि नहीं 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 मेहरबानी करके मत करो, नॉट नाउ, अभी मत करो, अभी नहीं, जस्ट मेक देम वेट, हम उन्हें इंतजार करवाते हैं। एंड आफ्टरवर्ड वी गिव,
और उसके बाद हम देते हैं. वी गिव परमिशन एंड वी लेट और वी लेट देम गो. हम उनको इजाजत देते हैं और जाने देते हैं, करने देते हैं. एंड द चाइल्ड और द पर्सन विल से, और तब वो बालक या तो वो व्यक्ति कहेगा, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद. यू लेट मी गो, तुमने मुझे जाने दिया. नाउ आई अंडरस्टूड, यू लव मी, अब मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो. इन जॉन 24, यस, योहन्ना 17वां अध्याय और उसका 24वां वचन. यस, रीड इट इन हिंदी. हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा. इन वर्स 24, 24वें वचन में, फादर इट इज माय डिजायर दैट दिस हुम यू हैव गिवन टू मी दे मे नो हु इज फादर. पिता, ये मेरी इच्छा है कि जो लोग तुमने मुझे मेरे साथ रहने के लिए दिए हैं, वो जाने कि पिता कौन है. एंड दे माइट मे सी द ग्लोरी, और वो शायद महिमा देखे. एंड वर्स 25, और 25वां वचन, ओ राइटियस फादर, हे धार्मिक पिता, यू ऑलवेज डू राइट, तू हमेशा सही करता है. द वर्ल्ड न्यू नॉट थी, ये जगत ने तुम्हें नहीं जाना, बट आई न्यू थी, आई न्यू दैट एट लास्ट यू विल गिव मी परमिशन. लेकिन मैंने तुझे जाना है और मैं जानता हूं कि अंत में तू मुझे इजाजत देगा. And you will let me go and you will believe me and you will trust me. और तू मुझे जाने देगा और तू मुझ में विश्वास करेगा और मुझ में भरोसा रखेगा. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. Listen, John 15:9 verse. सुनो यूहन्ना 15वां अध्याय और 9वां वचन. Jesus says, यीशु कहता है, My Father loved me. मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया. हाउ कैन वी से फादर लव्ड जीसस क्राइस्ट, हम ये कैसे कह सकता है कि पिता ने यीशु मसीह से प्रेम किया. डिड फादर डाइड फॉर जीसस क्राइस्ट, क्या पिता यीशु मसीह के लिए मरा. जीसस सेज इवन एज द फादर हैज गिवन मी दिस लव, यीशु कहता है कि ये प्रेम मुझे मेरे पिता ने दिया है. सो आई हैव गिवन माई लव टू यू, तो उसी तरह मैंने मेरा प्रेम तुम्हें दिया है. माई फादर लव्ड मी एंड गेव मी परमिशन और गेव मी अथॉरिटी. मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया और मुझे इजाजत दी और अधिकार दिया. आई लव्ड यू दैट वॉज इन माई हार्ट, मैंने तुमसे प्रेम किया वो मेरे हृदय में था. एंड व्हेन गॉड सेड डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड, और जब परमेश्वर ने कहा कि इस जगत का नाश कर दो, एंड इन माई हार्ट वॉज अ प्रेयर, तो मेरे हृदय में एक प्रार्थना थी, दैट गिव देम वन मोर चांस, कि उन्हें एक और मौका दो. दे विल रिपेंट फ्रॉम देयर सिन, वो उनके पाप से प्रायश्चित करेंगे. डिस्ट्रॉय नॉट, उनका विनाश मत कर. दिस वॉज प्रेयर इन जीसस हार्ट, ये यीशु के हृदय की प्रार्थना थी. He was concerned about his people. वो उसके लोगों के लिए चिंतित था. I will say he has a soft corner for his people. मैं ऐसा कहूंगा कि उसे उसके लोगों के प्रति लगाव था. And Jesus was not willing to kill the people. और यीशु मसीह लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं था. And Father said, let these people be perish. और पिता ने कहा कि ये लोगों को मरने दो, नाश होने दो. But Jesus was requesting from heart. लेकिन हृदय से यीशु मसीह विनती कर रहा था. He was praying, let these people be saved. वो ये प्रार्थना कर रहा था कि ये लोग बच जाए. And so Father, let Jesus, allow Jesus, okay, you can work. तो इसीलिए पिता ने यीशु मसीह को ये इजाजत दी कि हाँ, तो तू उसके लिए काम कर सकता है. He let him go. उस पिता ने यीशु को जाने दिया. So Jesus came on this world. इसीलिए यीशु इस जगत में आया. He came to meet his own. वो अपने लोगों से मिलने आया. And this coming here, he said, Father loved me. और यहाँ आने की जो बात थी वो बात की वजह से यीशु ने कहा कि पिता ने मुझसे प्रेम किया. Jesus Christ loved us. यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया. Father
will love us if we love Jesus Christ. और यदि हम यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो पिता हमें हमसे प्रेम करेगा. We were enemy of our father. हम हमारे पिता के दुश्मन थे. But someone was there who loved us. लेकिन वहाँ पर कोई था जिसने हमसे प्रेम किया. So Paul says, I am living for Christ. इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं मसीह के लिए जी रहा हूँ. I will die for Christ. और मैं यीशु मसीह के लिए मरूंगा. If whatever we do. और जो कुछ भी हम करते हैं, we must do for Christ. वो सब हमें मसीह के लिए करना चाहिए. Christ loved us. मसीह ने हमसे प्रेम किया. Christ loves us. मसीह हमसे प्रेम करता है. He should not forget his all gifts. हमें उसके सारे आदान प्रदानों को नहीं भूलना चाहिए. Again we will read John 14 and verse 23. फिर से हम यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 23वां वचन पढ़ेंगे. 14 and 23. योहन्ना उसका 14वां अध्याय और 23वां वचन. Jesus answered and said. यीशु ने उत्तर देकर देते हुए कहा. If any man love me. यदि कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है. He will keep my word. तो फिर वो मेरी बातें मानेगा. He will obey me. वो मेरे पीछे चलेगा. And my father will love him. और मेरा पिता उनसे प्यार करेगा. And we will come. And to him. और हम दोनों उनके पास आएंगे. And we will stay with him. और वो व्यक्ति के पास हम रहेंगे, उसके साथ हम रहेंगे. Verse 21. 21वां वचन. Who have my commandment? जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं. And who keep it? और जो वो आज्ञाओं को मानता है. Yes, who keep them? जो आज्ञाओं का पालन करता है. Who follow them? जो वो आज्ञाओं के पीछे चलता है, मानता है. He loves me. वो मुझसे प्रेम करता है. एंड हु दैट लव्स मी. और जो मुझसे प्रेम करता है. शैल बी लव्ड बाय माय फादर. उसको मेरा पिता भी प्रेम करेगा. माय फादर विल आल्सो लव हिम. मेरा पिता भी उनसे प्यार करेगा. सो फादर डोंट लव अस. तो पिता हमसे प्रेम नहीं करता. फादर डोंट लव्स अस. पिता हमसे प्रेम नहीं करता. Until we don't love Jesus Christ. जब तक हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते तब तक. एंड इफ वी ओबे हिम. और यदि हम उसकी बात माने. Then Father loves us. तब हम पिता हमसे प्रेम करता है. Father loves us. और जब यदि पिता हमसे प्रेम करता है. Then Jesus Christ will love us. तब यीशु मसीह हमसे प्रेम करेगा. We are in Christ's heart. हम यीशु मसीह के हृदय में हैं. Christ was willing to die for his people. यीशु मसीह उसके लोगों के लिए मरने के लिए तैयार था. Father allowed Jesus Christ to die. पिता ने यीशु मसीह को मरने के लिए इजाजत दी. Jesus says. यीशु कहता है. Jesus said in his heart. यीशु ने अपने हृदय में कहा. Father, I love you. पिता, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ. I love you. मैं तुमसे प्रेम करता हूँ. So I am waiting for your order. इसीलिए मैं तुम्हारे आदेश के लिए राह देखता हूँ. I love these people. मैं ये लोगों से प्रेम करता हूँ. More I love you. लेकिन उनसे ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूँ. If you say kill them, यदि तू ऐसा कहे उनको मार दे. I will curse and kill them. तो मैं उनको श्राप दूंगा और मार दूंगा. I will kill my heart. मैं मेरे हृदय को मार दूंगा. I will deny them. मैं उनका इनकार करूंगा. For I love you. क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ. You give me permission and I will do. तू मुझे रजा दे और मैं करूंगा. I will kill my heart. मैं मेरे हृदय को मार दूंगा. I love them. मैं उनसे प्यार करता हूँ. More I love you. लेकिन उससे ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ. And if you love them. और यदि तू उनसे प्यार करता है. Then I will do everything for your sake. तो फिर मैं तुम्हारे वजह से उनके लिए सब कुछ करूंगा. Jesus didn't open his heart. यीशु ने उसका हृदय नहीं खोला. He was waiting for God. वो परमेश्वर के लिए राह देखता था. As God let Jesus Christ to go. जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को जाने दिया. Jesus Christ came. तब यीशु मसीह आया. And said. और कहा. I came because of my father. मैं मेरे पिता की वजह से आया हूँ. But I love you. लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ. I don't came by myself. मैं अपने आप अपनी रीति से नहीं आया हूँ. I was willing to come.
मैं आने की इच्छा थी, मेरी आने की इच्छा थी। But I was waiting for my father's order. लेकिन मैं मेरे पिता के आदेश के लिए इंतजार कर रहा And था। He sent me. और उसने मुझे भेजा। And I came. और मैं आया। And I, Jesus Christ loved us. और यीशु मसीह। Before the creation. और ये सृष्टि की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। He, His will was and He wanted to create man. उसकी ये इच्छा थी और वो चाहता था कि वो मनुष्य को बनाए। This was in his heart. ये यीशु के हृदय में था। Time came then he said his heart. जब समय आया तब उसने अपने हृदय की बात बताई। And said let's create man. तब और कहा कि आइए हम मनुष्य को बनाए। But he was ready to destroy his creation also. लेकिन वो अपनी उस रचना को, अपनी उत्पत्ति को विनाश करने के लिए भी तैयार था। He was ready to be crucified. वो वधस्तंभ पर जाने के लिए भी तैयार था। He was loving his sheep. वो उसकी भेड़ों से प्यार करता था। But he was waiting for God. लेकिन वो परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहा था। When he died, he gave himself. जब उसने अपने आप को दे दिया। He forgave all. तब उसने सबको माफ कर दिया। This is his love. ये उसका प्यार है। We must love him. हमें उससे प्यार करना चाहिए। So whatever we do, तो जो कुछ भी हम करें, earn, study, कमाए या तो अभ्यास करें, make a house, और घर बनाए, marry, या शादी करें, make hair, और हेयर स्टाइल बनाए, wear clothes, और कपड़े पहने, for Christ, वो सब मसीह के लिए हो। Love okay. him. उससे प्यार करो। Father loves you. पिता तुमसे प्रेम करता है। So he let the lover to come. इसीलिए उसने उस प्रेमी को आने दिया। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। Just close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। And thank Jesus Christ. और यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Father, in Jesus' name, we come. पिता यीशु के नाम में हम आते हैं। And we thank you. और हम आपका धन्यवाद करते हैं। Jesus Christ. यीशु मसीह के। And Jesus Christ, you loved us. और यीशु मसीह आपने हमसे प्रेम किया। But you loved more. लेकिन आपने ज्यादा प्रेम किया। You loved us, Lord. प्रभु आपने हमसे प्रेम किया। You gave yourself. आपने अपने आप को दे दिया। Thank you for your sacrifice. आपके बलिदान के लिए आपका धन्यवाद। You gave chance. आपने मौका दिया। You want that we repent. आप ये चाहते थे कि हम प्रायश्चित करें। लॉर्ड वी वांट योर लाइफ। प्रभु हम आपका जीवन चाहते हैं। यस जीसस वी वांट योर हार्ट। हाँ यीशु हम आपका हृदय चाहते हैं। यू वेर ओबीडिएंट। आप आज्ञा पालन करने वाले थे। एंड यू आर द ट्रू गॉड। और आप सच्चे परमेश्वर हो। जीसस क्राइस्ट वी लव यू। यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं। वी से वी आर लिविंग फॉर यू। और हम ये कहते हैं कि हम आपके लिए जी रहे हैं। वी लव द वर्ल्ड। हम इस जगत से प्रेम करते हैं। बट अनलेस यू डोंट अलाउ वी विल नॉट लव देम। लेकिन जब तक आप हमें नहीं कहते तब तक हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे। वी लव आवर पीपल। हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं। बट अनलेस यू डोंट अलाउ वी विल नॉट लव देम। लेकिन जब तक आप हमें रजा ना दो तब तक हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी लाइक एंड वी लव। बहुत सारी बातें जो हमें पसंद है और जिससे हम प्रेम करते हैं। But we deny for thy sake. लेकिन हम आपकी वजह से उनका नकार करते हैं। And we will love them for thy sake. और हम उनसे प्यार भी आपकी वजह से ही करेंगे। We are waiting for your commandment. हम आपकी आज्ञा के लिए इंतजार कर रहे हैं। And we want to show that we love you. और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। Thank you for this message. ये संदेश के लिए आपका धन्यवाद। Lord, whatsoever has been preached. प्रभु जो कुछ भी प्रचार किया गया है, whatever been told, जो कुछ भी कहा गया है, Lord, help each one, वो सब में प्रभु सबको मदद कर। Holy Spirit, let this word abide in each heart. पवित्र आत्मा हर हृदय में ये शब्द जुड़ जाए, सहमत हो जाए। Let each one live just for you. हर एक व्यक्ति केवल आपके ही लिए जिए। And for you die. और आपके लिए मरे। In Jesus name. यीशु के नाम में। Let this thing be happen. ये बातें होने लगे। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Let's close. Continue close our eyes and pray one more thought.
आइए आंखें बंद रखें और प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना। Our Father with that in heaven, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, God is thy name, तेरा नाम पवित्र माना जाए, thy kingdom come, तेरा राज्य आए, thy will be done, तेरी इच्छा पूरी हो, as it is in heaven, let be on earth, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो, give us our daily bread, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, and forgive our debt, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, as we forgive all our debtors, जैसे हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया, lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ला, but deliver us, लेकिन हमें बुराई से, from all evil, हर बुराई से बचा, for thine is kingdom, क्योंकि राज्य तेरा है, thine power, पराक्रम तेरा है, thine glory, और महिमा तेरी है, forever you are king, सदा के लिए आप राजा हो, father we love you, पिता हम आपसे प्यार, Jesus Christ we love you, यीशु मसीह हम आपसे प्यार करते हैं, holy spirit we love you, पवित्र आत्मा हम आपसे प्यार करते हैं, amen, amen, God bless you, परमेश्वर आपको आशीष दे।